गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द फास्टेस्ट टेक न्यूज़ ऑन यूट्यूब। आज का वीडियो को जरूर से अंत तक देखिए क्योंकि आज के काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे रिलायंस जियो का 5G प्लान, वोडाफोन आइडिया का अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो हो जाएगा बंद, और वोडाफोन आइडिया के पुराने प्लान होगा बंद VI यानी वी में। इतने सारे न्यूज और भी काफी सारे न्यूज है, तो उसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बेल आइकन को बजा के ऑल नोटिफिकेशन करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपके समय की कीमत को समझते हैं और उसे रेस्पेक्ट भी करते हैं, और उसके बदले में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे हैं उत्सव रॉक्स। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। लास्ट वीडियो के पोल में मैंने आपसे पूछा था कि क्या VI का वोडाफोन आइडिया से VI हुआ है वहां पे क्या प्राइसेस इंक्रीज होना चाहिए। वहां पे 11% लोगों ने कहा है कि हाँ प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, 59% लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए, और 30% लोगों ने कहा कि पहले सर्विस तो ठीक कीजिए। और आज का जो पोल है जो आपको कम्युनिटी पेज पे मिल जाएगा कि सैमसंग का जो M51 नया लॉन्च हुआ है, आपको वो फोन कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, या फिर आपको लगा कि कुछ ज्यादा ही प्रमोशन हो रहा है उसका। लास्ट वीडियो का स्टार कमेंटर है जॉय, थैंक यू सो मच जॉय फॉर योर लवली कमेंट। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम भी स्टार कमेंट में आए तो भर भर के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, तो उसमें से एक कमेंट नेक्स्ट वीडियो में उसको मिलेगा शाउट आउट। सबसे पहले उसे लेकर आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपना M51 यानी मीनेस्ट मॉन्स्टर को लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट के साथ ये आता है। इसमें आपको 6GB रैम और 8GB रैम का दो वेरिएंट मिलता है, 128GB का स्टोरेज है, 64MP का सोनी IMX682 का प्राइमरी सेंसर है, 12MP का अल्ट्रा वाइड आपका सेंसर है जो आपको 123° का फील्ड ऑफ व्यू ये आपको प्रोवाइड करता है, 5MP का मैक्रो कैमरा, 5MP का डेप्थ सेंसर और 32MP का सेल्फी कैमरा आपको इस पर मिल जाता है। सबसे बड़ा इसका USP है कि इसमें आपको 7000mAh का बैटरी मिलता है, और जो ऑलमोस्ट एक पावर बैंक की तरह है, ये आपका रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बॉक्स में ही आपको 25W का एक सुपर फास्ट चार्जर मिल जाता है, और 6GB 128GB का प्राइस है ₹25,000 और 8GB 128GB का प्राइस है ₹27,000। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे ठीक ठाक लगा है, मतलब बहुत ही कुछ यू नो बेहतरीन कुछ नहीं लगा। बैटरी के मामले में तो डेफिनेटली किलर है, लेकिन बाकी ओके है, ओके हैंडसेट। अगला मेडिकल कहता है BSNL की तरफ से, BSNL का ₹49 वाला जो रिचार्ज है वो 90 days के लिए अवेलेबल रहेगा। 1st of September को ये लॉन्च हुआ है और वो लग रहा था कि ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अभी कहा गया कि 1st of September से 90 days तक ये आपका रहेगा। इसको क्या मिलता है, 20 days का वैलिडिटी मिलता है, 2GB डेटा आपको मिलता है और 100 calls आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है, और उसके बाद 45 पैसा करके पर कॉल आपका पर मिनट का चार्ज होगा। अगला अपडेट करके आता है कि वोडाफोन आइडिया या फिर वी के बारे में। बाय द वे वी का जो एड है वो आपको कितना अच्छा लगता है जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, लोग काफी इंटरेस्टिंग चीजें सब जगह पे लिख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब वो वी वाला एड देख के कितना बेहतरीन लगता है जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। अब वी का जो पुराने प्लान है, यानी जिस प्लान में वी या फिर वोडाफोन आइडिया क्लेम कर रहे थे कि वो ज़्यादा स्पीड देंगे, वो वाला जो प्लान है, वो वाला प्लान लेके ट्राई के साथ उनका कुछ फाइट चल रहा था, जहाँ पे ट्राई ने पूछा कैसे ये हो सकता है, वोडाफोन आइडिया ने उसके अगेंस्ट में कुछ रिप्लाई दिया था जो ट्राई को पसंद नहीं आया, और ये वाला प्लान क्या होगा, मतलब चालू रहेगा या फिर बंद होगा, उसके ऊपर 8th of September को एक अनाउंसमेंट होने वाला था, लेकिन वो फाइनली और थोड़ा पीछे चला गया है, 15th of September का टाइम आया है। 15th of September को फाइनली बताया जाएगा कि ये प्लान रहेगा नहीं रहेगा, नहीं रहने का चांसेस ही ज़्यादा लगता है मुझको। अब काफ़ी सारे लोगों ने ये प्लान लेके फंस गए हैं और दूसरे प्लान पे वो नहीं जा सकते क्योंकि ₹3,000 पेनल्टी मांगा जा रहा है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। अब वो बेसब्री से वेट करें कि कब ये प्लान बंद हो और वोडाफोन आइडिया खुद से दूसरे प्लान में उनको शिफ्ट कर दे। आपको अगर ये न्यूज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं तो 15th of September तक वेट करना पड़ेगा, उसी दिन मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगला अपडेट करके आता है रिलायंस जियो के 5G प्लान के बारे में। अब 5G प्लान कैसे, रिलायंस जियो का एक न्यूज़ निकल के आया था कि रिलायंस जियो का एक 5G बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन आने चला है दिसंबर महीने के अंदर। गूगल के साथ मिलकर रिलायंस जियो काम कर रहा है, ये एक स्मार्टफोन होगा 5G ये सपोर्ट करेगा, और ये भी कुछ रिपोर्ट निकल के आया है या फिर आप रूमर्स भी कह सकते हो कि डायमेंसिटी जो 720 वाला प्रोसेसर है वो प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। ये 5G हैंडसेट के साथ आपको बंडल्ड प्लान्स भी मिलेगा, और वो जो प्लान्स होगा वो लेकिन उसी पर्टिकुलर हैंडसेट के लिए होगा, तो हम यहाँ से ये अज्यूम कर ही सकते हैं कि आपको जो प्लान्स मिलेगा वो 5G प्लान्स होगा,
जो आपको रिलायंस जियो की तरफ से दिसंबर महीने में मिल जाएगा। अब ये एक्सपेक्टेड है या फिर काफ़ी सारे रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि 4G प्लान से 5G प्लान और भी सस्ते होने वाले हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते कि दिसंबर महीने में रिलायंस जियो का ये वाला जो स्मार्टफोन आएगा, बजट फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन आएगा, उसके साथ जो प्लान्स होगा वो प्लान्स अभी के प्लान से सस्ता भी हो सकता है। लेकिन जब तक ये स्मार्टफोन निकल के नहीं आता है, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आएंगे, काफ़ी सारे चीज़ें बताया जाएगा, और जो जो जहां से भी बताया जाएगा मैं आपको अपडेटेड रखूंगा। अपडेट निकल करता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने एक पेटेंट फाइल कर दिया है ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले के लिए। ये आपका मोबाइल में भी हो सकता है, और सैमसंग ने ये कहा है कि सिर्फ मोबाइल नहीं, ये आपका टीवी, मॉनिटर्स, लैपटॉप और गेमिंग कंसोल्स पे भी ये आपका डिस्प्ले यूज़ किया जा सकता है। ये एक OLED डिस्प्ले होगा। अब इसके ऊपर कोई पिक्चर्स तो लीक नहीं हुआ है, लेकिन जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सैमसंग का डिस्प्ले लेके कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि उनका डिस्प्ले ऑलवेज ही कड़क होता है। अगला ब्रांड निकल के आता है फिर से वोडाफोन आइडिया या फिर वी के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के MD और CEO रविंदर टक्कर जी ने कुछ दिन पहले, दो दिन पहले आई बिलीव, उन्होंने कहा था कि वोडाफोन आइडिया इमीडिएटली अपने प्लान्स को इंक्रीज करेगा। अगर कोई भी इंक्रीज नहीं करता है वो पहला कंपनी बनेगा इंक्रीज करने के लिए। अब इसके ऊपर नवीन कुलकर्णी जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है ऑफ एक्सिस सिक्योरिटीज, उन्होंने लेकिन दूसरा ही कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर वोडाफोन आइडिया या फिर वी अगर वो अपने प्लान्स को महंगा करते हैं बिना अपने नेटवर्क में इन्वेस्ट करके, अपने सर्विसेज में इन्वेस्ट करके, यानी एकदम प्लेन एंड सिंपल बातों में, अगर अपना नेटवर्क या फिर सर्विस वो इम्प्रूव नहीं करते हैं और प्लान के प्राइसेस को बढ़ा देता है, और उसके ऊपर और भी नेगेटिव हो सकता है कि सिर्फ वोडाफोन आइडिया ने ही इंक्रीज़ किया, एयरटेल ने इंक्रीज़ नहीं किया, रिलायंस जियो ने भी वोडाफोन के साथ इंक्रीज़ नहीं किया, उन्होंने अपना प्लान जहाँ पर था वहाँ पर ही रख दिया, तो वोडाफोन आइडिया के काफ़ी सारे यूजर्स लेकिन वोडाफोन आइडिया या फिर वी को छोड़ के एयरटेल और रिलायंस जियो में आ जाएंगे, और वो होने के बाद वोडाफोन आइडिया अब चलने लायक नहीं रहेगा। तो वोडाफोन आइडिया को काफ़ी अच्छी तरीके से अपना बिजनेस प्लान बना के चलना पड़ेगा, जिससे उनका सर्विस इस लेवल का हो कि अगर उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी लोगों को पे करना पड़े तो प्लान के प्राइस इंक्रीज होने के बाद वो वोडाफोन आइडिया छोड़ के दूसरे कंपनी में ना जाए। अब आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि अभी आपको वोडाफोन आइडिया का जिस तरह का मस्त सर्विस मिल रहा है उसी के बीच में अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए, क्या आप वोडाफोन आइडिया के साथ कंटिन्यू करोगे या फिर वोडाफोन आइडिया को मारोगे? जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। बस यहां तक अगर वीडियो देख लिया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हो हमारे चैनल में जरूर से सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन का बजा के ऑल नोटिफिकेशन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे हर दिन मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स लाता रहता हूं। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू, चलो बाय।